हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने फ्लास्क एप्लीकेशन के टू डू वेब पे डिलीट बटन और अपडेट बटन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम आते हैं अपने पाइथन फाइल पे और मैं इसको ओपन करता हूँ ओपन विद VS कोड से, और मेरा यहाँ पे फटाक से मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारी हिस्ट्री भी रिस्टोर होके आ गई। अभी तक हमारा जो पाइथन का फाइल है वो जहाँ पे रहेगा हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपने उस फाइल के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा लिंक जनरेट होके आ गया है। अब मैं सिंपली इस लिंक पे क्लिक करूंगा 2 बार 3 बार 4 बार और ये लिंक जो है मेरे वेब ब्राउजर में ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। सी गाइस, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन जो फ्लास्क है वो यहाँ पे आ गया है। अभी तक हमने यही सब किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक अपडेट बटन यूज करूँ और यहाँ पे मैं एक डिलीट बटन का यूज। सो गाइस, बटन को ऐड करना बहुत ही ज्यादा इजी काम है। मैं आ जाता हूँ अपने कोड में और कोड में आने के बाद मैं आता हूँ अपने index.html के अंदर। जैसे ही मैं अपने index.html के अंदर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने इस जिंजा फॉर लूप के पास, और जिंजा फॉर लूप में आने के बाद मैं आपके सामने थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं आ जाऊंगा अपने लूप में और लूप में आने के बाद मैं यहाँ पे इंटर करूंगा और मैं यहाँ पे आपके सामने बटन को ऐड करके दिखाता हूँ आप। यहाँ मैं TD ऐड किया और TD ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे इंटर करूंगा और यहाँ पे मैं बटन के फंक्शनैलिटीज को लिखना चालू कर दूंगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा हो जाए एक अपडेट बटन, यहाँ पे हो जाए मेरा एक अपडेट बटन और यहाँ पे हो जाए मेरा एक डिलीट बटन। तो गाइस, अपडेट बटन का जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा पहले बटन, बटन के बाद मैं यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा पोस्ट वाला बटन था उसमें हमारा जो एक्शन था वो ये स्लैश एक्शन था हमारा। यहाँ पे आने के बाद देखिए, मैं यहाँ पे बटन को ना ऐड करूंगा सिंपली। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा बटन, खोल दूंगा बटन को यहाँ से। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्शन ऐड करूंगा। एक्शन के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा HRF इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्शन के अंदर आ जाऊंगा, यहाँ पे मेरा एक्शन आ जाएगा। यहाँ हो जाए डिलीट। यहाँ मैं किसको डिलीट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ मेंशन करूंगा। मैं यहाँ डिलीट करना चाहता हूँ todo.sno। मैं कौन से वाले रो को डिलीट करना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन कर दूंगा, तो वो पूरा का पूरा जो रो रहेगा वो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि सीरियल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। अगर प्राइमरी की ही नहीं होगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट फॉरेन की जो है वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बटन डाल दिया। बटन डालने के बाद मैंने यहाँ पे HRF डाल दिया, जो एक्शन है वो मैंने यहाँ पे स्लैश डाल दिया, और डिलीट डालने के बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मैं कौन से वाले सीरियल नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ। अब यहाँ मैं डालूंगा बटन, तो बटन जो है उसका टाइप चाहिए, जो टाइप है वो बटन हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ क्लास भी यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं यूज करूंगा क्लास बटन डार्क। ये हो गया बढ़िया। अब मैं इसको यहाँ से कर दूंगा सिंपली क्लोज। यहाँ पे एक बार फिर से बटन आ गया, तो मैं सिंपली इस वाले बटन को यहाँ से हटा सकता हूँ ना। यहाँ मैं लिखूंगा कि ये जो बटन है ये क्या करना चाहिए, तो ये यहाँ से कर देगा डिलीट। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ जैसे ही मैं रिलोड करूंगा यहाँ पे मेरा देखिए डिलीट की बटन जो है वो आ गई है। आप लोग डिलीट की जो बटन है वो कहीं से भी ला सकते हैं आपके ऊपर। ये जो मैंने यहाँ पे जो क्लास लेके आया हूँ मैं यहाँ पे क्लास, तो आप क्लास कहीं भी से भी लाइए, क्लास आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो क्लास चाहिए वो क्लास लेके आइए। तो बटन की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, आपको जो क्लास पसंद है आप वो क्लास यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा बटन है वो मैं बटन बूटस्ट्रैप से भी ला सकता हूँ, कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप से मैं किस तरीके से बटन ला सकता हूँ। और जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप पे आने के बाद और डॉक्स में आने के बाद मैं यहाँ पे बटन सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिंपली बटन देखने को मिल जाएगा फटाफट से। ये सर्च तो यहाँ पे क्लिक ही नहीं हुआ। मैं यहाँ पे सर फटाफट से बटन यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो है ना बटन्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ मुझे बटन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली चाहता हूँ कि मैं एक बढ़िया सा बटन ले लूँ। देखिए यहाँ पे ये सारे बटन्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं यहाँ पे मेरे को। ये देखिए यहाँ पे ये रही डार्क वाली बटन। मैं सिंपली ना इस वाले डार्क वाली बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड में आता हूँ, और अपने कोड में आने के बाद यहाँ पे मैंने अपने इस बटन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ डिलीट। अब देखिए, अब ये बटन जो है ना कुछ अलग तरीके से काम करेगी। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लोड करता हूँ। अब ये देखिए बटन किस तरीके से काम कर रही है। तो गाइस, इस तरीके से आप बटन्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हर एक रो के लिए जो है वो बटन ऐड हो के आ गया है। जैसे यहाँ पे डिलीट बटन आ गया है, ऐसे ही मुझे चाहिए यहाँ पे कि एक अपडेट बटन भी आ जाए, तो जिससे मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो मैं अपने टू डूज को अपडेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली आऊँगा अपने कोड पे, और कोड पे आने के बाद अपने इस डिलीट बटन वाले रो को पूरा का पूरा रो कोड कॉपी करूँगा यहाँ से, और कॉपी करने के बाद जस्ट उसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपने कोड पे यहाँ पे, और कोड पे आने के बाद मैं इसको करूँगा रीलोड। तो यहाँ पे मेरे सामने एक और बटन जो है वो आ जानी चाहिए, बट वो आई नहीं यहाँ पे। देखिए
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक और बटन क्यों नहीं आए, क्योंकि जो नेम है दोनों का नेम जो है वो डिजिट ही है। जब तक मैं नेम चेंज नहीं करूंगा तब तक वहाँ पे दूसरी बटन नहीं आएगी। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ नेम अपडेट। जैसे ही मैं यहाँ पे नेम चेंज कर दूंगा यहाँ पे मेरे को नई बटन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही मैंने नेम को चेंज किया और मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा यहाँ मुझे अपडेट बटन भी यहाँ पे देखने को मिल गई। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। बट अपडेट बटन और डिलीट बटन दोनों कलर सेम ही है। मैं चाहता हूँ कि जो अपडेट बटन रहे इसका कलर कुछ अलग रहे, कुछ यूनिक कलर रहे। सो उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने बूटस्ट्रैप में, और बूटस्ट्रैप में आने के बाद मुझे पसंद है येलो बटन, तो मैं चले जाता हूँ। येलो बटन जो है वो वार्मिंग का है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से वार्मिंग वाले क्लास को करता हूँ कॉपी। कोड पे आने के बाद इसका जो टाइप और क्लास है उसको मैं यहाँ से कर दूंगा चेंज, और यहाँ पे मैं वार्मिंग की जगह कर देता हूँ इसको अपडेट। सो गाइस ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो जाएगी। बेसिकली यहाँ से जैसे ही मैं ये सब कर देता हूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपडेट का बटन आ गया है। तो ये काफ़ी मस्त हो गया। यहाँ पे ये अपडेट का बटन जो है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का लूंगा। यहाँ पे रेड लेता हूँ, ग्रीन ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ग्रीन ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से ग्रीन बटन को कॉपी करता हूँ, और ग्रीन बटन कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने कोड में, और अपने कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मैं इस बटन को यहाँ से हटा देता हूँ जिससे इनका अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। और फिर मैं आता हूँ अपने कोड पे, और कोड पे आने के बाद मैं अपने कोड को यहाँ से करता हूँ रीलोड। और यहाँ पे देखिए ये तो सक्सेस आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए अपडेट। तो मैं यहाँ पे सक्सेस को कर दूंगा मॉडिफाई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट सिंपल। जैसे ही मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करना शुरू कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डिजिट बटन है वो भी काम भी करना चाहिए उसको, ऐसा तो पड़ा रहना चाहिए। सो गाइस हम आते हैं अपने कोड पे, और कोड पे आने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे अपडेट बटन को बाद में रखा है, मैं पहले अपडेट बटन को रखना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट बटन वाले कोड को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं अपडेट बटन वाले कोड को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं सबसे पहले अपडेट बटन वाले कोड को मैं ऊपर पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट बटन वाले को रखूँगा, और बाद में रखूँगा मैं डिलीट बटन को। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ यहाँ से बेसिकली, तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूँगा जो मेरा अपडेट बटन वाला है वहाँ पे अपडेट होना चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ सेव। और सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने कोड पे, और कोड पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ रीलोड। और इसको रीलोड जैसे मैं कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरा अपडेट वाला जो है वो पहले आ जाएगा, और डिलीट वाला जो है बाद में आ जाएगा। तो अब काफ़ी मस्त लग रहा है ये। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी तीन टू डू जो है वो पहले से प्रेजेंट है, तो हमारे पास तीन टू डू ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम चाहते हैं कि हम पहले सबसे पहले अपने इन तीन टू डू को डिलीट करें, और तीन टू डू को डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ नया टू डू डालें, और फिर उसमें हम मॉडिफिकेशन को परफॉर्म करें। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने टू डूज को डिलीट, और डिलीट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड पे। कोड पे आने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने app.py के अंदर, और app.py के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे दो नवा एंड पॉइंट। यहाँ पे हमें शो वाला एंड पॉइंट नहीं चाहिए, हमें एक नवा एंड पॉइंट चाहिए जो कि हमको डिलीट दे और यहाँ पे दे अपडेट। सो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पहले से शो वाला एंड पॉइंट बना हुआ है मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे किया पेस्ट इसको। तो मैं अब इसमें करूंगा मॉडिफिकेशन, एक में मैं मॉडिफिकेशन करूंगा अपडेट के लिए, और एक में मैं मॉडिफिकेशन करूंगा डिलीट के लिए। तो सबसे पहले मैं डिलीट वाले के लिए मॉडिफिकेशन करता हूं, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा और यहां से मैं शो एंड पॉइंट को हटा दूंगा, और मैं यहां लिख दूंगा डिलीट, यहां लगा दूंगा मैं इंट, और यहां हो जाए मेरा सीरियल नंबर, और ये क्लोज करूंगा मैं यहां से। और यहां पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये जो है ये डिफाइन हो जाए मेरा डिलीट, क्योंकि यहां पे ये भी वही नाम से है और यहां पे ये भी वही नाम से है, तो यहां पे आ जाएगा एरर। तो इसके लिए मैंने यहां पे डिलीट की स्पेलिंग रॉन्ग है। और डिलीट क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए मेरा सीरियल नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर ही मेरा प्राइमरी की है, तो मेरा प्राइमरी की जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए, तो बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मेरा टू डू का यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाए, और उस टू डू के वेरिएबल के अंदर, और मैं चाहूंगा कि वहाँ पे उस टू डू के वेरिएबल के अंदर टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल जो है ये यहाँ पे आना चाहिए। टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल से यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे आ जाए फिल्टर, टू डू डॉट क्वेरी डॉट ऑल फिल्टर बाय सीरियल नंबर, सीरियल नंबर इज इक्वल टू सीरियल नंबर बाहर निकल के डॉट फर्स्ट, यहाँ फिल्टर बाय आएगा साथ। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मेरा टू डू का एक वेरिएबल बन जाए, और उस वेरिएबल के अंदर टू डू डॉट क्वेरी आ जाए, और वो फिल्टर हो जाए सीरियल नंबर जो रहे वो सीरियल नंबर से हो जाए, और वो घूम फिर के फर्स्ट वाले पे आ जाए। तो db.session.add करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, और db.session.add मैं यहाँ पे ऐड नहीं, मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा db.session.delete,
और मैं डिलीट करना चाहूंगा टू डूज को, तो यहाँ पे आ जाएगा db.session.deleteTodos। अब यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहूंगा, रिटर्न जो है वो रिडायरेक्ट करे। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर जो बंदा है वो डिलीट कर दे, डिलीट करने के बाद वो नए पेज पे नहीं जाना चाहिए, वो घूम फिर के कहाँ आना चाहिए, वो घूम फिर के आना चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नया एंड पॉइंट डालने की कोशिश करी है, मैंने यहाँ पे डिलीट करके नया एंड पॉइंट डाला है। और इस डिलीट वाले नए एंड पॉइंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन प्राइमरी की है जो कि सीरियल नंबर है वो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए यहाँ से। उसके लिए मैं क्या किया है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल असाइन किया है टूडू नाम से, और मैंने इस टूडू के अंदर क्वेरी किया है कि जितना भी सीरियल नंबर हो सब यहाँ पे आ जाए। और मैं यहाँ पे db.session.delete कर दूँ टूडूज को, और यहाँ पे कमिट करके मैं इसको रिटर्न कर दूँ पेज को। अब मैं आ जाता हूँ अपने पेज पे, और पेज पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ रीलोड। जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये देखिए गाइस यहाँ पे आ गया दिस इज अ प्रोडक्शन पेज। जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक किया तो ये डिलीट होने के बजाय यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर आने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर जो है वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या ये अनएक्सपेक्टेड एरर जो है वो यहाँ पे क्यों आ रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता क्या कि आपने आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है? ये पूरी की पूरी एरर्स को यहाँ पे क्यों दिखा रहा है? ये जो पूरा का पूरा जो एरर है वो शो करने के पीछे रीजन जो है वो ऐसा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिखा है डीबग इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं यहाँ पे डीबग इक्वल्स टू फॉल्स लिख दूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मेरे को ये एरर बताएगा नहीं कि क्या एरर है, क्या कौन से लाइन पे एरर है। यहाँ पे सीधा लिख देगा कि इंटरनल सर्वर के अंदर कुछ तो एरर है, उस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। ये हमारे क्लाइंट्स को नहीं बताना चाहता है कि तुम्हारे सर्वर के अंदर क्या एरर, बट वी आर नॉट क्लाइंट, सो हम लोग को चाहिए कि हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या एरर है वो यहाँ पे दिख जाए। सो मैं यहाँ पे डीबग जो है वो ट्रू कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए बैक करता हूँ मैं इसको, और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इंटरनल सर्वर एरर ही आ रहा है अभी भी यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ रीलोड। जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया, यहाँ पे दिस इज अ प्रोडक्ट पेज आ रहा है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को दिस इज अ प्रोडक्ट पेज जो है वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा जो टू डू था वो डिलीट हो जाए, और डिलीट होने के बाद मेरा जो पेज है, मेरा पेज रीलोड नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा पेज रीलोड होने के बाद किसी और नए पेज पर रिडायरेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है वो डिलीट होने के बाद, मतलब डिलीट पे जब मैं क्लिक करूँ वहाँ पर रिलोड होए, और रिलोड होने के बाद उसी होम पेज पर रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली आ जाऊँगा अपने कोड पे, और कोड पे आने के बाद मैं एक कमांड ऐड करूँगा जो है रीडायरेक्ट कमांड। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं रिटर्न करूँगा मेरा वही स्लैश वाला पेज। तो मैं यहाँ लिख दिया रिटर्न रीडायरेक्ट स्लैश वाला दैट पेज। ये रीडायरेक्ट का कमांड मैं सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा और यहाँ पे अपने इस रिडायरेक्ट कमांड को इंपोर्ट करूंगा और मैं इसको कर दूंगा सेव। अब देखिए, अब जैसे ही मैं अपने पेज पे आऊंगा, और पेज पे आने के बाद मैं यहाँ बैक आता हूँ और मैं इसको करता हूँ रीलोड। और रीलोड करने के बाद जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट होने के बजाय दिस इज अ प्रोडक्ट पेज क्यों आ रहा है? इंटरनल सर्वर एरर। ओके, तो दिस इज अ प्रोडक्ट पेज जो है वो तो नहीं आना चाहिए, वो तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको यहाँ से अब हटा दिया, परमानेंट यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नया पावर सेल ओपन करता हूँ। अब इस नए वाले पावर सेल के अंदर मैं अपनी पाइथन के फाइल को यहाँ पे रन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने अपने इस पाइथन के फाइल को रन किया, यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक नया लिंक जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा। ये लिंक जो है वो खुल रहा है, और यहाँ पे देखिए ये दो बार खुल गया, ये लिंक देखिए दो तीन बार खुल गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, और ये कोड देखिए डिलीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस, ये हो रहा है डिलीट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टू डाल दिया, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डालता हूँ, रैंडमली डाल दिया, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। और सबमिट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले सीरियल नंबर के रो को डिलीट कर दूँ, तो मैं सिंपली यहाँ डिलीट पे प्रेस करूँगा, और ये पूरा का पूरा रो जो है वो डिलीट होकर चले जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ, और कुछ भी डालने के बाद जैसे ही मैं उसको सबमिट करूँ, और यहाँ पे जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँ, वहाँ पे नया पेज खुल के आना चाहिए, और उसके अंदर मैं मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हम लोग आते हैं अपने वेब पेज पे, और वेब पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने टाइप एरर आ गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे योर टू डूज और सीरियल नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टाइम ये जो है ये लिख के आ रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे जब मेरे यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर, मतलब यहाँ पे मेरे कोई भी टू डू ना रहे, यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स लिख के आना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगा यहाँ पे। तो जब लेंथ जीरो रहेगा तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं आना, यानी कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिख के आना चाहिए, बट यहाँ पे योर टू डू सीरियल नंबर टाइटल डिस्क्रिप्शन टाइम ये सब का टेबल का फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है।
बट मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट यहाँ पे लिख के ना आए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं आ जाऊँगा अपने कोड पे, और कोड में आने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने index.html के अंदर, और अपने index.html के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो मेरा जिंजा फॉर लूप है, मैं अपने जिंजा फॉर लूप के ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेड के अंदर, और मैं यहाँ पे जेईफ का यूज़ करूँगा। जेईफ, जैसे मैंने यहाँ पे जेईफ मारा, यहाँ लिखूंगा मैं ऑल टू डूस, और ऑल टू डू लिखने के बाद यहाँ मैं लिख दूंगा लेंथ lengthl, जो लेंथ है वो अगर जीरो रही, लेंथ जो है वो जीरो रही, मैं यहाँ पे जे एल्स लिख के यहाँ पे मैंने इंटर मार दिया, यहाँ पे आए नो रिक, मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे जो है कुछ तो यहाँ पे एरर आ गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे नो रिकॉर्ड लिख के आ रहा है ये, यह देखें यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ कि ये सब टेबल वगैरह जो है ये सब भी ना आए, बट ये सब भी आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन और करूँगा, यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ से कॉपी करने के बाद ये एल्स के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आने का पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे मैं एक अलर्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और ये देखिए इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक अलर्ट फंक्शन का यूज़ किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई, तो यहाँ पे जो नो रिकॉर्ड रहेगा ना वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नो रिकॉर्ड फाउंड एंड ऐड योर फर्स्ट टू डू नाउ अप, और मैं आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये गाइस, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कमाल का लिख के आ गया यहाँ पे, तो ये काफी मस्त दिख रहा है यहाँ पे, नो टू डूज फाउंड एड योर फर्स्ट टू डू नाउ। मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक CSS का एक क्लास ऐड कर दिया यहाँ पे, बूटस्ट्रैप से मैंने क्लास को लेके आया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया यहाँ पे क्लास को अलर्ट अलर्ट डार्क करके, यहाँ पे रोल अलर्ट था इसका, और यहाँ पे जो है ना नो टू डू फाउंड एड योर फर्स्ट टू डू नाउ ये लिख दिया मैंने इसके अंदर, और इसको मैं ड्यू बना के इसके अंदर डाल दिया, और मैंने इसको ड्यू बना दिया और इसको इसके अंदर डाल दिया, तो ये काफी मस्त हो गया गाइस। यहाँ पे काफी दिख रहा है एकदम, एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे। इसी के साथ आज की मजबूरी भी खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब।